तो फ्रेंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल अभी कुछ दिन पहले ही गया है, बट अगर आपने उस सेल को मिस कर दिया और आप कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते थे बट किसी भी कारण से आपने उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब आगे आप लोग के लिए दशहरा सेल और दशहरा सेल लाइव हो गया है। और बात करें दशहरा सेल के लाइव जो डेट्स हैं वो हैं 22 अक्टूबर यानी आज से लेकर 29 अक्टूबर तक आपको ये देखने को मिल जाएगा। 22 अक्टूबर को स्पेशली बस प्लस मेंबर्स के लिए सेल लाइव किया गया है, बाकी लोगों के लिए 23 अक्टूबर से ये सेल आपको सबके लिए देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे सबसे मस्त चीज़ जो आई है निकल के वो है कार्ड्स पे डिस्काउंट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दशहरे सेल में आपको कोटक महिंद्रा बैंक, RBL बैंक और SBI कार्ड्स पे 10% का स्टैंड डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 10% का स्टैंड डिस्काउंट आपको फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल में भी देखने को मिला था, बट वहाँ के डिस्काउंट और यहाँ के डिस्काउंट में थोड़ा सा अंतर है, और वो क्या है आइए आपको आगे सेविंग कैलकुलेटर की मदद से बताते हैं। यहाँ पे फ्रेंड इन्होंने बताया है कि जो भी क्रेडिट कार्ड्स वगैरह हैं, जो भी इन तीनों बैंक के RBL बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और SBI के जो भी क्रेडिट कार्ड हैं उन पे आपको मिनिमम 250 रुपये से लेके मैक्सिमम 1500 के डिस्काउंट्स ऑफर देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर आपने यहाँ पे इन्होंने कुछ कैटेगरीज भी बांट रखी है, जैसे कि ग्रोसरी और मेडिसिन अगर आपने ख़रीदा है तो कम से कम आपको 2000 रुपये का सामान परचेज करना पड़ेगा, जिस पे आपको मैक्सिमम 250 रुपये के ही ऑफर्स देखने को मिलेंगे। यानी आप 5000 का खरीद के 500 रुपये का ऑफर एक्सपेक्ट मत करिएगा, इंस्टेंट डिस्काउंट एक्सपेक्ट मत करिएगा, आपको मैक्सिमम 250 का ही इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। वहीं पे मोबाइल अगर आप खरीदते हो तो 5000 की वैल्यू से ज़्यादा का मोबाइल परचेज करना पड़ेगा, और उसके लिए अगर आप नॉन EMI वाले सेक्शन में सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पे आपको 750 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर EMI वाले अगर आप उस मोबाइल को EMI की मदद से लेना चाहते हो तो वहाँ पे आपको 1250 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। वहीं पे फ्रेंड अगर आप अदर कैटेगरीज़ की बात करें, कुछ भी सामान खरीदते हो, जैसे मान लीजिए आपने ट्रेडमिल खरीदना है, आपने कैमरा खरीदना है, कुछ भी अदर चीज़ें, तो वहाँ पे आपको 5000 रुपये का कम से कम सामान खरीदना पड़ेगा, जिस पे आपको नॉन EMI वाले में यानी डायरेक्ट फुल पेमेंट करके लेते हो तो 1250 रुपये आपका ऑफ हो जाएगा, और अगर आप EMI वाले को सेलेक्ट करते हो तो आपको 1500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। वही फ्रेंड यहाँ पे इन्होंने दो डेट भी दे रखे हैं, एक है 22 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक, और 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक ये डिस्काउंट्स चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों आपको ये जो सारे डिस्काउंट्स मैंने बताए ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और आपको जानना चाहिए कि एक क्रेडिट कार्ड पे मैक्सिमम आप 1500 रुपये का ही डिस्काउंट अवेल कर सकते हो, उससे ज़्यादा का ऐसा नहीं है कि आप 5000 का एक मोबाइल बुक करो और 10000 का एक मोबाइल बुक करो और दोनों में आपको 1200 या 1500 डिस्काउंट मिलकर आप 3000 का डिस्काउंट अवेल कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम डेबिट कार्ड वालों के लिए क्या फ़ायदा है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो डेबिट कार्ड का बेस ऑफर है डेबिट कार्ड के, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक पे आपको डेबिट कार्ड पे ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं, बाकी RBL बैंक और SBI पे सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे इस दशहरा सेल में आपको ऑफर्स देखने को मिल रहा है। कोटक बैंक के जो डेबिट कार्ड्स हैं वहाँ पे आपको वही ग्रोसरी पे 250 रुपये का मैक्सिमम डिस्काउंट, मोबाइल पे आपको वही 750 नॉन EMI में और 1250 EMI वाले में, और सेम अदर कैटेगरी में 5000 से ऊपर का सामान लेने पे 1250 और 1500 रुपये। यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक जो है वहाँ पे आपको इजीली सेम डिस्काउंट डेबिट कार्ड पे मिल जाएंगे जो डिस्काउंट्स आपको SBI के क्रेडिट कार्ड और RBL बैंक के क्रेडिट कार्ड पे देखने को मिलना है। उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें दी गई हैं जो कि एडिशनल ऑफर बोनस वगैरह दिया गया है, कि अगर आप कोटक बैंक, RBL बैंक, SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट EMI वाले ऑप्शन में जाते हो और कोटक बैंक के डेबिट कार्ड या डेबिट EMI वाले ऑप्शन में जाते हो तो यहाँ पे जो ऑफर है वो ऑन नेट कार्ड वैल्यू, अगर आप 24,990 रुपये से ऊपर के कार्ड वैल्यू में अपने कार्ट में सामान ऐड करते हो तो वहाँ पे आपको एडिशनल 500 का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। यानी आप 25,000 रुपये तक के सामान को एक साथ परचेज करते हो तो आपको 500 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिलेगा। वहीं पे ऑफर दूसरा भी है जिसमें अगर आप 39,990 रुपये या फिर उससे ज़्यादा के सामान को आप EMI ऑप्शन में सेलेक्ट करते हो, जैसे मान लिया आपने कैमरा लिया है 50,000 रुपये का, तो EMI ऑप्शन में आप इसे अवेल करते हो तो वहाँ पे भी आपको 500 रुपये का इंस्टेंट बोनस एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो ये थे कुछ दशहरा सेल के बारे में डिटेल्स। अगर आपके मन में कोई और भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए आप वहाँ पूछ सकते हो, और लगातार मैं आज पे अपडेट देता रहूँगा। बट सेल लाइव हो चुके हैं, जाइए फटाफट से, कुछ मैंने डिस्काउंट पर लिंक भी दे रखे हैं, आप उसके थ्रू जाकर परचेज कर सकते हो, आपको अच्छे खासे डिस्काउंट देखने को मिल जाएंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।